नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर बहुत से साथियों के डाउट क्लियर करने वाला हूँ। पार्ट वन कर्मचारी किस पॉलिसी में आते हैं, पार्ट टू कर्मचारी किस पॉलिसी में आते हैं, दोनों में क्या अंतर है, कौन किस में है, पूरा लेटर देख लेना साथियों। पूरे लेटर के हिसाब से जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथियों, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को देखिए लास्ट तक। ये देख लीजिए साथियों, ये पूरा लेटर है जो ऑल डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखा गया है साथियों, ठीक है। पॉलिसी फॉर एंगेजिंग आउटसोर्सिंग सर्विस एक्टिविटी, ठीक है साथियों। तो इसके अंदर सारी सर्विस सारी प्रोवाइडिंग बताई गई है, ऑल डिटेल आपको बताऊंगा। ये देख लीजिए, इनके ये लेटर लिखे गए थे साथियों 2009 में, 2014 में, फिर ये 14 में, ठीक है। अभी ये पहला मैटर आ गया है पार्ट वन पॉलिसी को लेकर, पॉलिसी फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस एक्टिविटीज, ठीक है साथियों। ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो हरियाणा ने एक प्रपोज यानी कि पूरी डिटेल इसके अंदर तैयार की है कि कौन पार्ट वन के अंदर आएगा, कौन पार्ट टू के अंदर आएगा। तो ये देख लीजिए साथियों, इन व्यू द एमरजेंसी, इन व्यू न्यू एरियाज द फील्ड गवर्नमेंट यानी कि ड्यू टेक्नोलॉजी एडवांस, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब कोई इमरजेंसी आती है, कहाँ पर किसी काम की कोई ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आउटसोर्सिंग सर्विस एक्टिविटीज, ये देख लीजिए साथियों, ये जो सर्विस और जो एक्टिविटी के वर्ड है ना, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है साथियों, आपका जो टेंडर होता है, आपको ऐसे तो लगाया नहीं जाता, सीधा डायरेक्ट लगा दिया। आपकी पॉलिसी तैयार होती है, आपकी एक NIT होती है, आपका टेंडर निकलता है, तो उस टेंडर के अंदर व्यक्तियों की डिमांड की जाती है कि हमें 15 व्यक्ति सफाई के लिए चाहिए, 10 व्यक्ति ड्राइवर चाहिए, 5 व्यक्ति कोई क्लीनिंग के लिए चाहिए, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, 6 क्लर्क चाहिए। तो उनकी डिटेल में तो वे ये चीज़ होती है साथियों, एक तो सर्विस लिखा मिलेगा और एक एक्टिविटीज लिखा मिलेगा कि इस सर्विस के लिए चाहिए या एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो साथियों वो पार्ट वन के अंदर आएंगे। आगे ये कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन फोल्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी नीड्स प्रोवाइड फार्म वर्क आउटसोर्सिंग सर्च एक्टिविटी, यानी कि कोई फार्म का कोई काम होता है, जैसे कोई गार्डन का है, कोई ट्री काटने हैं या कोई अदर काम है, तो उसके अंदर जो अप्रोच आउटसोर्सिंग सर्विस एक्टिविटी वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि जो सर्विस और जो एक्टिविटी चाहिए उनको काम को करवाने के लिए आउटसोर्सिंग की, तो उसमें अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, जो सर्विस एक्टिविटी में भी आउटसोर्सड व्हेन रिक्वायर्ड पार्टली, यानी कि कुछ कामों के लिए, अब जैसे ये देख लीजिए लिख दिया कि क्लीनिंग प्रीमिसेस, हॉर्टिकल्चर वर्क, हाउस कीपिंग सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, जैसे भी कोई बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना है, अच्छा ट्रांसपोर्ट का कोई काम करना, कोई ड्राइवर चाहिए या कोई हेल्पर चाहिए, कोई कनेक्टर चाहिए, ठीक है, तो काउंसलर सर्विस आ गई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस, यानी कि उस सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी, जैसे ये वर्ड आते हैं साथियों, हाई टेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विस इट्स, ठीक है। तो ये वाली जो हाई लेवल की तक की भी जो टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विस हैं वो भी इसके अंदर आती हैं साथियों। द अबो सर्विस एक्टिविटीज, यानी कि सभी ये जो सर्विस हैं, ये एक्टिविटी आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नोट एक्सेस्टिव, द डिपार्टमेंट्स कैन अप्लाई दिस पॉलिसी फॉर आउटसोर्सिंग अदर काइंड ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस, ठीक है साथियों। जो भी डिपार्टमेंट अगर इन पॉलिसियों में अगर कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी को रखना चाहता है तो वो इस सर्विस के हिसाब से उनको रख सकता है, सर्विस एंड एक्टिविटी, ठीक है। आगे कोई नेचर एक्टिविटी के लिए चाहिए, वह कोई नेचर की है, कोई और काम करवाना है अदर से, तो टेंडर नोटिस एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर जो क्लैरिफाई देता है ना, जो टेंडर के अंदर जो नोटिस आता है साथियों, देख लीजिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मेंशनड द नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड परफॉर्म द सर्विस एक्टिविटी। तो देख लीजिए, जब भी कोई टेंडर निकलता है तो उसके अंदर नंबर, अब इतने नंबर के में रिक्वायर्ड है, ये बंदे चाहिए, वो किस बेस पे चाहिए, परफॉर्मेंस उनकी क्या रहेगी, सर्विस में या एक्टिविटी में, तो वो पूरी डिटेल उनको देता है। द डिपार्टमेंट सेल इंश्योर दैट आर नो रेगुलर सेंक्शन पोस्ट, ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं मानी जाएगी डिपार्टमेंट के अंदर, दैट यूनिट ऑफ ऑफिस फॉर परफॉर्मेंसिंग
यानी कि सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए इनको रखा जाएगा, आउटसोर्सिंग सर्विस और एक्टिविटी को। जो आउटसोर्सेड रखे जाएंगे उनको सर्विस और एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए रखा जाएगा और ना ही ये कोई सैंक्शन पोस्ट मानी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए आगे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्टिविटी हेड डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड वोल्ड यूनिट डिपार्टमेंट इधर कैसे हेड नो रेगुलर सैंक्शन, यानी कि वो कहीं पे भी केस नहीं कर सकते, वो कहीं पे भी कोई कह सकता है कि मुझे पक्का किया जाए, ये किया जाए, ये सिर्फ एक्टिविटी बेस पे रखे जाते हैं, कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आगे बता रहे हैं द टेंडर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट शैल बी फाइनलाइज्ड। जब उसको फाइनलाइज्ड किया जाता है तो अप्रूवल ऑफ हेड डिपार्टमेंट, यानी कि अप्रूवल ली जाती है हेड डिपार्टमेंट से अपॉन एग्जिस्टिंग डेलीगेशन ऑफ पावर डिपार्टमेंट ओपन टेंडर। फिर उसका टेंडर ओपन किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रो द कंपेक्टिव बैंडिंग प्रोसेस, यानी कि भाई इसका पूरा प्रोसेस बाद में किया जाता है, उसका टेंडर ओपन किया जाता है कि उसने क्या फिलअप किया है, उसके अंदर सारी डिटेल उसकी दी होती है, इसके अंदर अनेक्सर ए भी इसके अंदर होता है। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो ये आगे कह रहे हैं कि अप्रूवल फाइनेंस, ये देख लीजिए इनके अंदर ये डिटेल दी हुई है। जो पार्ट वन के अंदर जो व्यक्ति आते हैं एजेंसी वुड पे मिनिमम वेजेज, तो जो सर्विस जो प्रोवाइडर होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो ठेकेदार आपका ठेका लेगा साथियों, आप सीधी भाषा में समझ जाना, जैसे आपका कोई ठेका लेता है कोई ठेकेदार, तो उसको ये स्केल्ड देने पड़ते हैं आपको। अनस्केल्ड वाला मिलेगा, सेमी स्केल्ड वाला, स्केल्ड एंड हाई स्केल्ड पोस्ट अंडर, यानी कि पोस्ट के हिसाब से ये आपको वो पैसे देता है साथियों। ठीक है, ये पुराना मिनिमम वेजेज है, नया ये है नहीं है। नया मिनिमम वेजेज की मैंने एक वीडियो बनाई थी जो अभी का लागू हुआ साथियों, तो आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलती है, आप उसके हिसाब से ले भी सकते हैं क्योंकि वो लेबर ला के थ्रू बना गया साथियों, जो आपका लेबर डिपार्टमेंट होता है उससे। तो ये आपके पे स्केल जारी करता है 300-350 रुपये हर छठे महीने बढ़ते हैं जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, तो इस सेमी स्किल्ड ये पूरी डिटेल दी हुई है साथियों, ये देख लीजिए क्लैरिफाई कर क्या है भाई, इसके अंदर कौन कौन आता है, सेमी स्किल्ड के अंदर कौन कौन आएगा और अनस्किल्ड के अंदर कौन कौन आएगा, तो पूरी डिटेल दे रखी है। क्योंकि बहुत से साथियों के जवाब थे कि मैं क्या होगा, मैं ये वो लगा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड लगा हूँ, वेपन या चौकीदार, परफॉर्मेंस टास्क, तो ये देख लीजिए अनस्किल्ड के अंदर आते हैं ये, और ये सेमी स्किल्ड के अंदर आते हैं। ठीक है साथियों, तो पूरी डिटेल दे रखी है। अगर आप ये लेटर लेना चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं लेटर डाल दूंगा, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं उसी के हिसाब से लेटर डाल दूंगा साथियों। तो आप ये लेटर देख लेना, पूरा डिटेल दी हुई है इसके अंदर, और सर्विस टू के बारे में बताऊंगा जो पार्ट वन है। तो ये देख लीजिए सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी मेक ईपीएफ और ईएसआईसी पर मंथ कैटेगरी वर्कर को देता है। ठीक है, फिर उनका अकाउंट में पे भी करता है, बैंक ड्राफ्ट भी दे सकता है, पे ऑर्डर भी कर सकता है, तो ये एजेंसी पे डिपेंड है। तो 5% एवरी ईयर इन केस ऑफ सर्विस सच वर्कर्स कंटिन्यू यूज्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वन ईयर। ठीक है, ये वन ईयर के लिए या फिर कितने भी टाइम के लिए उसमें हो सकता है, उसमें 5% इंक्रीज किया जाता है। डिफॉल्ट इन दिस रिगार्ड द अदर डिफेंस डिफॉल्ट, ये ठीक है पूरी डिटेल दी हुई है। 15 डेज, ठीक है, एग्रीमेंट होता है उनका कोई 15 दिन का। ठीक है, तो पॉलिसी गाइडलाइन दी हुई है भाई, ये कोई आपके काम की नहीं है साथियों। तो ये आगे देख लीजिए, ये आता है पार्ट टू के लिए। पार्ट टू, कर्मचारी एंगेजमेंट ऑफ पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस वेयर रेगुलर पोस्ट एग्जिस्ट, यानी कि जो पार्ट टू के अंदर आते हैं ना साथियों, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की तो पोस्ट होती है, लेकिन ये रेगुलर पोस्ट के हिसाब से मानी जाती है, यानी कि एक सेक्शन पोस्ट होती है। ठीक है, इन अरेंजमेंट केस पब्लिक इंटरेस्ट वेयर द सैंक्शनड वैकेंट पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी एग्जिस्ट, द पर्सन कैन बी एंगेज्ड सेंडिंग रिक्विजिशन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड द बाई एडवर्टाइजमेंट, यानी कि न्यूज़पेपर, जो भी नई भर्ती निकलती है ना साथियों। अब ये देख लीजिए पार्ट टू कौन कौन आएगा, पार्ट टू वही आएगा, एक तो आपका कोई जैसे न्यूज़पेपर में कोई ऐड आती हो, ठीक है, या कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई लिखा हो उन्होंने, वजह से भाई हम तो पार्ट टू के अंदर ये पोस्ट ले रहे हैं। ठीक है साथियों, तो उसमें आपको पीरियड नोट एक्सटेंडिंग वन ईयर, यानी कि इसके अंदर भी आपका पीरियड वो है, वो एक साल से ज़्यादा नहीं माना जाता, यानी कि ज़्यादातर एक साल का ही आपका पीरियड होता है, और टिल द रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट आर द अपॉइंटेड। ठीक है, जो भी कर्मचारी लिया जाता है ना, तो रेगुलर कैंडिडेट की तरह ही अपॉइंटेड किया जाता है, एंड उसको हर प्रकार की सुविधा मिलती है, जैसे 50% पे हो गया, पे ब्रॉन्ड हो गया, ग्रेड पे, डीए,
टाइम टू टाइम सारी चीज़ उसको मिलती है जो सेंक्शन पोस्ट पार्ट टू के अंदर आता है। साथियों अब आप अपना अपना विचार लगा लेना कि आपको किस बेस पे सैलरी मिलती है। बाद में ये दूसरा कमेंट मत करना कि मेरे समझ में नहीं आया, आप ये लेटर ले लेना साथियों, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपना टेलीग्राम का लिंक। और बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी साथियों आपके, ऐसे तो फिर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द मिनिमम 8100 पर मंथ फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम फिक्स करती है भाई कितने इनको मंथली सैलरी मिलेगी पार्ट टू वालों को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर कैन बी टर्मिनेटेड एट द एनी टाइम विथआउट, यानी कि उसको जैसे नोटिस देना पड़ता है भाई, कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसको हटाता है तो उसको नोटिस दिया जाएगा और उसको खुद को भी नोटिस देना पड़ेगा अगर वो छोड़ के जाता है तो। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई साथियों। फिर आगे ये कह रहे हैं कि नो अप्रूवल फाइनेंस डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड हायर वेजेस पेड, यानी कि हम बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल लिए बिना उसको हायर पे एस्ट नहीं कर सकते गिवन द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट है वैकेंट पोस्ट रेगुलर मोड रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट सर्विस रूल, यानी कि उसके ऊपर सभी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो एंगेजमेंट जो डिपार्टमेंट के थ्रू लिया जाता है तो उस पर सभी पोस्ट के जो रेगुलर पोस्ट पर जो कर्मचारी होता है उसके हिसाब से उसको सर्विस रूल के हिसाब से पे दी जाती है। तो देख लीजिए साथियों, हो सकता है आपके डाउट इससे क्लियर हो चुके होंगे। तो ये आपके सामने पूरा लेटर है साथियों, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना और देख लेना, आपके डाउट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको और नहीं बता सकता साथियों। तो आप ये लेटर लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे मैं लेटर डाल दूंगा। इसके अंदर पार्ट टू, पार्ट टू और पार्ट वन पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।